Welcome back to my channel. It's me Priyanka and you're watching Presentation Matters. And I'm super excited for today's video because in today's video I'll be sharing with you testing food hacks from 5-minute craft. And if you like this video, do give this video a thumbs up and please share it more to your friends and family members. And guys, before starting the video, make sure to subscribe to my channel and also hit the bell icon so that you get notified every time I upload the new video on YouTube. So without wasting much time, let's get started. Okay guys, तो इस हैक में इन्होंने लिए हैं 3 अंडे और उनको अच्छे से बीट कर लिया है फॉक की हेल्प से और उसके बाद इन्होंने लिया है एक पाइपिंग बैग और सारे मिक्सचर को इसके अंदर पोर कर दिया है और एक पैन के ऊपर बनाया है एक डिज़ाइन. तो आप एक ऑमलेट को कैसे डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, ये हैक दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है. तो आप चलिए हम इसको ट्राई करके देखते हैं. तो गाइस, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया, आपको लेने हैं 3 एग और इनको अच्छे से बीट करना है. तो यहाँ पर मैं 3 एग ही यूज़ कर रही हूँ और इनको अच्छे से बीट कर लूँगी. तो मुझे इस वाले हैक से बहुत एक्सपेक्टेशंस है. मुझे वो हैक बहुत अच्छा लगा कि आप एक ऑमलेट को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये हैक करने के लिए. तो अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे. तो यहाँ पर मैं विस्कर की हेल्प से इसको बीट कर रही हूँ. आप चाहो तो फॉक की हेल्प से भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हो. तो अब इसको डालते हैं, हम ट्राई करके देखते हैं क्या ये हैक वॉक करता है. तो गाइस, अभी मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो मैं इसको किसी भी बॉटल में डाल लूँगी. ऐसी कोई कीप थी मेरे पास, इस कीप के अंदर मैं इसको डाल लूँगी. और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे पाइपिंग बैग के ऊपर होल होता है, बिल्कुल इसके ऊपर भी ऐसा होल बना हुआ है. तो पाइपिंग बैग अभी मेरे पास नहीं था. इस बॉटल के अंदर मैं इसको पोर कर लूँगी सारा मिक्सचर और इस बॉटल से हम बना के देखेंगे वो ऑमलेट क्या वो बनता है या फिर नहीं. तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा निकल रहा है इसके आगे से. तो अभी मेरा पैन हो गया है थोड़ा सा गर्म. इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से स्प्रेड करके हम बना के देखेंगे हमारा ऑमलेट. तो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये हैक ट्राई करने के लिए. एंड गाइज, सच में ये हैक मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मुझे नहीं पता ये बनेगा या फिर नहीं. गाइस, तो अब मैं इसको उठा के देखती हूँ क्या ये बनकर रेडी हुआ है या फिर नहीं. तो देखने में तो लग रहा है गाइस, वाओ यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. सच में ये वैसा बन गया है जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था. गाइस, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा बनकर ये रेडी हो गया है. तो एक मैंने ऐसा और बना लिया और आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो. आप इसके ऊपर कोई भी सैलड लगा सकते हो, कुछ भी अनियन, टोमेटोज, कैप्सिकम, आप इसको डेकोरेट कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. तो गाइस, ये हैक सच में 5-मिनट क्राफ्ट का वर्क करता है. थोड़ा सा मैंने क्लियरली नहीं बनाया बिकॉज मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था. तो गाइस, अगर हम सेकंड टाइम इसको बनाएंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा. तो गाइस, बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है ये. आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना और इसके ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी स्पाइसेस आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं ब्लैक सॉल्ट इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा यमी हो जाए. ओके गाइस, तो ये वाला जो हैक उन्होंने दिखाया है ये प्रेजेंटेशन करने के लिए बेस्ट हैक है. अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी हो तो आप एग को ऐसे चेंज कर सकते हो, कोई भी आप टाइपिंग बैग में डाल सकते हो तो उसको आप ऐसे बना सकते हो, डिफरेंट स्टाइल में आप ऑमलेट स्टाइल बना सकते हो. मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा 5-मिनट क्राफ्ट का. आप ये हैक ट्राई कर सकते हो. और गाइस, आप एक सिंपल सी ऑमलेट को कैसे डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हो अपने गेस्ट्स को इम्प्रेस करने के लिए, तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऑमलेट को ऐसे चेंज कर सकते हो, कुछ यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हो. तो इस हैक को मैं दूंगी बिग थम्स अप. यस गाइस. ओके गाइस, तो नेक्स्ट हैक में उन्होंने एक एम्प्टी लेस चिप्स का पैकेट लिया, उन्होंने उसमें कुछ वेजेस डाले हैं और एग बैटर डाला है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद ये बनकर हो गया है रेडी ऑमलेट. तो चलिए ये हैक ट्राई करते हैं. तो यहाँ पर मैंने एग बैटर ले लिया है. अब मैं ले रही हूँ एक एम्प्टी चिप्स का पैकेट. तो गाइस, ये हैक सच में मुझे पता नहीं ये क्या होगा, ये बनेगा या फिर नहीं, पता नहीं. ये कभी मैंने ऐसा हैक ट्राई नहीं किया है 5-मिनट क्राफ्ट का. ये हैक मुझे देखने में बड़ा अजीब सा लगा. ये एक चिप्स के पैकेट के अंदर आप एक ऑमलेट बना सकते हो गाइस. तो ये हैक सच में मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी एग बटर और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डाल दूंगी, वेजेस डाल दूंगी. इन्होंने टोमेटोज, कैप्सिकम, सिलेंट्रो, कोरिएंडर सब कुछ डाला था. तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुछ वेजेस. तो अनियन डालेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर, अनियन, टोमेटोज, जो भी वेजेस आप डालना चाहते हो वो वेजेस आप इसके अंदर डाल सकते हो.
और फिर हम इसको बॉईल करेंगे 30 मिनट्स के लिए गाइस। तो आप सोच सकते हो, आप मुझे गैस करके बताओ कि क्या ये ऑमलेट बनकर रेडी होगा या फिर नहीं। गाइस आप वीडियो देखने से पहले ही मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि ये ऑमलेट बनकर रेडी होगा या फिर ये हैक फेल होने वाला है गाइस। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस, तो कोई भी स्पाइसेस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, और कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हो स्पाइसी बनाने के लिए। ग्रीन चिली भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो कुछ स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसको करते हैं 30 मिनट्स के लिए बॉयल। तो गाइज आप देख सकते हो इतना पानी मैंने एक पैन में ले लिया है। मुझे क्वांटिटी तो उन्होंने नहीं बताया कि कितना पानी आपको गर्म करना है, तो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग मैंने इतना पानी इसके अंदर डाल दिया है। और इस पैकेट को हम 30 मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे। तो गाइज 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ऑमलेट आपका 2 मिनट में बन जाता है, ये बनेगा 30 मिनट्स में। तो हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा कि सच में ये 30 मिनट्स के बाद वर्क करता है क्या, ये बनेगा या फिर नहीं। वैसे ही है, तो इसका फ्लेम मैंने कर दिया है हाई। अब इसको हम देखते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो गाइज आफ्टर 15 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लुक कैसा हो रहा है। तो आप पैन भी देख सकते हो, पैन कैसे हो गया है बॉयल होकर। तो गाइज अब देखते हैं ये बनता है या फिर नहीं। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मैंने ये निकाल लिया है पैन में से। तो गाइज क्या आप एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए कि क्या बना है इसके अंदर? वाओ गाइज, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये बनकर रेडी हो गया है ऑमलेट एक पैकेट के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको कट करके देखते हैं नाइफ़ की हेल्प से कि ये खाने में कैसा होगा। तो ये बन तो गया है ऑमलेट, बिल्कुल रेडी हो गया है ऑमलेट बनकर। और इसको कट करके देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होगा, तो हम ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या है, आप देख सकते हो इसके अंदर कलर कैसा आ गया है। नो गाइस, ये ख़राब हो गया है। गाइस आप देखो, ध्यान से आप देखो इसके अंदर, ये कलर इसका चेंज हो गया है नीचे से। ये ग्रीनी सिल्वर ग्रीन कलर का पता नहीं नीचे क्या लग रहा है, सिल्वर सा ऑमलेट। गाइस ये ऑमलेट ख़राब हो गया है। तो चिप्स के पैकेट के अंदर जो हमने ऑमलेट बनाया है, आप नीचे से देख सकते हो ये ख़राब हो गया है बिल्कुल। तो गाइस बिल्कुल, मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको बॉईल किया था, कम या ज़्यादा मैंने नहीं किया। तो आप देख सकते हो ये पैकेट को हम अपोजिट करके देखते हैं, ये पैकेट का जो सिल्वर वर्क होता है ये सारा ऑमलेट के ऊपर लग जाएगा। गाइस आपका ऑमलेट बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, बट ये जो वर्क होता है सिल्वर कलर का, ये इसके ऊपर आ गया सारा ऑमलेट के ऊपर। तो आप देखो ध्यान से, ये ऑमलेट ख़राब हो गया है। तो इसको मैं नहीं खा सकती, मुझे देखने में ही ये इतना बेकार सा लग रहा है, ये नीचे से ख़राब हो गया है बिल्कुल। तो जो हमने पैकेट के अंदर बैटर डाला था गाइस, वो आप खुद सोचो वो नीचे कितना टाइम तक बॉयल होता रहेगा, और ये नीचे से हो गया है बिल्कुल ख़राब, और ये हो गया है हमारा ऑमलेट ख़राब। ओके गाइस, तो ये हैक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इन्होंने क्या किया था, एक लेज़ का पैकेट लिया था, एम्प्टी पैकेट, और उसके अंदर इन्होंने बनाया था ऑमलेट और उसको बॉयल किया था 30 मिनट्स के लिए। तो पहले तो यार ऑमलेट तो हम 5 मिनट में ऑमलेट रेडी कर लेते हैं, और इन्होंने बनाया था 30 मिनट्स के अंदर, उसको बॉयल करोगे। एंड गाइस सेकंड पॉइंट, जो लेज पैकेट के अंदर वो सिल्वर कलर का कुछ होता है, वो सारा ऑमलेट के ऊपर चिपक जाएगा, जिससे ऑमलेट हो जाएगा सारा ख़राब। तो मैंने आपको करके दिखाया, ऑमलेट बना के दिखाया, वो बन तो जाएगा बिकॉज वो बिल्कुल ऑमलेट ख़राब हो जाएगा। एंड गाइस, जो ऑमलेट हम 2 मिनट में बनाकर रेडी कर लेते हैं, उसके लिए पहले तो आपको 30 मिनट्स वेस्ट करने होंगे, 30 मिनट्स आपको बॉयल करना होगा। फिर उसके बाद आप ऑमलेट रेडी भी करोगे तो वो ऑमलेट हो जाएगा आपका ख़राब, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो आपके खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये हैक हो चुका है इनका फेल, और इस हैक को मैं दूंगी थम्स डाउन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हैक में इन्होंने क्या किया है, ऑयल डाला है एक पैन के अंदर, और कोई ऐसा यूटेंसिल लिया है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इस ऑमलेट को थोड़ा सा फ्राई किया है और इसको प्रेजेंट किया है सैलड की तरह। तो चलिए ये हम हैक ट्राई करते हैं। तो मेरे पास ऐसा यूटेंसिल नहीं था जैसा उन्होंने दिखाया, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा यूटेंसिल ले रही हूँ, और इसके अंदर से मैंने ऑमलेट का बैटर डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसा बनकर रेडी हो गया है। तो जैसा उन्होंने दिखाया था बिल्कुल वैसा ही ये बना है। तो आप भी ऑमलेट को ऐसे फ्राई कर सकते हो, और इसको फ्राई करके आप बना सकते हो ऑमलेट को। तो जैसा उन्होंने दिखाया ये बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है। गाइज इसको कुछ टाइम फ्राई करने के बाद अब हम इसको पैन में से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये कैसा बना है गाइज। तो ये मुझे देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा गाइज, ये क्या है, इसको तो खाने का मन ही नहीं करेगा देख के। तो हम थोड़ा सा इसमें सैलड ऐड करके देख लेते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन करके देख लेते हैं, क्या पता ये थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाए, बट ऐसा तो मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं वेजीज़ डाल के देख लेती हूँ, जैसे उन्होंने ली थी वेजीज़, टोमेटो, कैप्सिकम या फिर अनियन, कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो और स्पाइसेस डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सैलड की तरह तो लग रहा है गाइस, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया कि एज ए सैलड की तरह आप ऑमलेट को बना के खा सकते हो, तो ये बिल्कुल वैसा बनकर तो रेडी हो गया है। बट गाइस मुझे ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मैं कम खाती हूँ। अगर आप खाना चाहते हो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो ये हैक उनका सच में वर्क करता है कि आप कोई भी ऑमलेट को ऐसे फ्राई कर सकते हो, किसी भी छोटे छोटे होल्स वाला कोई भी यूटेंसिल लेके आप ऐसे फ्राई कर सकते हो और सैलड की तरह आप इसको बना के खा सकते हो। ओके गाइस, तो ये हैक भी अच्छा था बट मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर आपको ऑमलेट फ्राई करना है तो आप अपना कोई भी यूटेंसिल ले सकते हो, कोई भी जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसा कोई यूटेंसिल लेकर आप उसको फ्राई कर सकते हो। बट वो देखने में इतना वियर्ड सा लग रहा था, मुझे ऐसा खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। बट ये वाला हैक 5 मिनट क्राफ्ट का फेल नहीं हुआ, बिकॉज जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि आप एक ऑमलेट को फ्राई करके कैसे उनको सैलड की तरह प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हो घर पर, और इस हैक को मैं दूंगी थम्स अप। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हैक में इन्होंने बड़े वाला स्पून लिया है और इसके अंदर इन्होंने डाला है थोड़ा सा एग बैटर और इसको बनाया है डायरेक्ट गैस के ऊपर और बनाए हैं मिनी ऑमलेट्स। तो ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने सबसे पहले इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी मैं इसके अंदर ऑयल, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एग बैटर और देखते हैं कि ये मिनी ऑमलेट्स बनते हैं या फिर नहीं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एग बैटर और इसको हम लो फ्लेम पर गैस पर बना के देखते हैं कि डायरेक्ट ऐसे ऑमलेट बन जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो इसको, इसके ऊपर मैंने थोड़े से अनियन एंड कैप्सिकम, अनियन टमाटोज डाल दिए हैं और गाइस ये तो चिपक रहा है, सच में ये बिल्कुल भी नहीं बना है। तो हो सकता है मैंने ये सही ट्राई ना किया हो, बट गाइस ये चिपक गया है, ये टूट गया है। तो गाइस आप ये हैक आप ट्राई करना घर पर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हैक मैंने गलत ट्राई किया है या फिर सच में ये ऑमलेट बन जाते हैं। ओके गाइस, तो ये थे मेरे आज के टेस्टिंग फूड हैक्स फ्रॉम 5 मिनट क्राफ्ट, और इन सब में से जो मुझे फूड हैक अच्छा लगा वो था सेकंड नंबर वाला, जो हमने ऑमलेट की प्रेजेंटेशन की थी। तो वो पाइपिंग बैग वाला प्रेजेंटेशन ऑमलेट की मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उस हैक को दूंगी सबसे बिग वाला थम्स अप। मुझे वो हैक सच में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे प्रेजेंटेशंस करना अच्छा लगता है, स्पेशली फूड प्रेजेंटेशंस। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करना चाहती हैं फूड प्रेजेंटेशन की, तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा फूड हैक अच्छा लगा, एंड नेक्स्ट आप कौन से वायरल हैक्स देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। और मैं प्रियंका मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़।